Sony Xperia J ST26i Disassembly Screen Pratisthapan aur Repair. First, apni peeth ko cover battery. SIM aur memory card ko hata de. Agle 3 shikanja lal rang mein niche ki parikrama ko hatane aur pench safed mein parikrama ki. Pench safed mein parikrama dusron ke liye ek alag aakar hai. To yakin hai yah sasti mein wapas chala jata hai. Iske alawa lever safed rubber hissa mukt neele rang mein niche ki parikrama ki. Lift jagah mein ayojit antim charan mein shikanja. जिन्हें आप नीचे काले रंग की प्लास्टिक भागों के लिए स्वतंत्र, फिर 3 शिकंजा लाल रंग में परिक्रमा को हटाने और पेंच सफेद में परिक्रमा की, फिर पेंच सफेद में परिक्रमा दूसरों के लिए एक अलग आकार है। तो यकीन है कि यह सही जगह में वापस चला जाता है। अब सभी तरह के आसपास है ताकि इसे जारी करने के लिए बैटरी डिब्बे के शामिल होने के लिए कुछ पतली और फ्लैट एक क्रेडिट कार्ड की तरह चला रहे हैं। बैटरी डिब्बे अब स्वतंत्र है। आप लाउड स्पीकर नीचे तीर द्वारा संकेत निकालना चाहते हैं, बस यह मुफ्त लीवर जोड़ वक्त अब स्वतंत्र है। अगले पहचान स्टिकर हटाने नीचे के रूप में दिखाया गया है। यह बस बंद पील्स अब काला चिपचिपा टेप का टुकड़ा नीचे तीर द्वारा संकेत हटा दें। नीचे की परिक्रमा एक जिफ कनेक्टर जो जगह में एक रिबन के बाल रखता है। काला भाग एक कड़ी खोलता है और एक काज को बंद कर देता है। ध्यान से कुंडी लिफ्ट रिबन से दूर है और रिबन मुक्त हो जाएगा। आप बंद की स्थिति में कुंडी के साथ जिफ कनेक्टर को देख सकते हैं। खुले स्थान में कुंडी देखने के लिए अगले चरण के लिए देखें। आप नीचे खुले स्थान में कुंडी देख सकते हैं। रिबन के बल्ब बाहर खिसक जा सकता है। समाक्षीय केबल नीचे की छवि के अधिकार के लिए सफेद में परिक्रमा कर रहा है। यह एक प्लग और सॉकेट प्रकार कनेक्शन है। तो बस कनेक्ट अप लीवर सर्किट बोर्ड से दूर, तो सर्किट बोर्ड मुक्त लीवर रिबन केबल और समाक्षीय केबल काट दिया गया है और सर्किट बोर्ड अब स्वतंत्र है। अगली चील दूर चिपचिपा रबर फोम नीचे तीर द्वारा संकेत और फिर ध्यान मात्रा के लिए और बंद चाबियां फोन की तरफ से दूर पर स्विच उठा। यह स्विच एक रिबन केबल के द्वारा सर्किट बोर्ड से जुड़ा है, इसलिए इस क्षति के लिए नहीं सावधान रहना होगा। मात्रा के लिए और बंद बटन पर स्विच अप फोन की ओर से नी शुल्क है। एक और जिफ कनेक्टर का खुलासा नीचे की परिक्रमा की पीला चिपचिपा टेप निकालें और पिछले जिफ कनेक्टर के साथ की तरह रिबन केबल काट। अब आपकी ओर से अधिक सर्किट बोर्ड उठा, साथ सर्किट बोर्ड खत्म रूप से फ्लिप। यदि आप किसी अन्य जिफ कनेक्टर के लिए उपयोग नीचे परिक्रमा की दूसरों के रूप में एक ही रास्ते में रिबन केबल डिस्कोनेक्ट, तुम भी सर्किट बोर्ड से जुड़े समाक्षीय केबल के दूसरे छोर देखने के लिए सक्षम होना चाहिए। यह ऊपर लीवर सर्किट बोर्ड से दूर यह डिस्कोनेक्ट करने के लिए सर्किट बोर्ड तो मुक्त हो जाएगा। सर्किट बोर्ड अब स्वतंत्र है। आप कैमरे निकालना चाहते हैं, सर्किट बोर्ड से प्लग और सॉकेट प्रकार कनेक्टर दूर लीवर लंबे रिबन केबल स्क्रीन के पीछे से दूर चील नीचे के रूप में दिखाया गया है। अगले पीला चिपचिपा टेप हटाने नीचे की परिक्रमा की एक और जिफ कनेक्ट प्रकट करते हैं। पहले की तरह डिस्कोनेक्ट टच स्क्रीन को निकालने के लिए लगभग 30 सेकंड। ये स्क्रीन सामने गर्मी एक हेयर ड्रायर या गर्म हवा बंदूक का इस्तेमाल तो अवकाश नीचे तीर द्वारा संकेत में अपने पेचकश धक्का। यह दूसरे पक्ष पर थोड़ा स्क्रीन बढ़ाने के लिए और आप इट स्लाइड अपने प्लास्टिक उपकरण सभी तरह के आसपास है ताकि इसे जारी करने के लिए टच स्क्रीन के शामिल होने के लिए जारी करने के लिए स्क्रीन के आसपास अपने प्लास्टिक के उपकरण स्लाइड करने के लिए अनुमति देगा। टच स्क्रीन डिजिटाइजर अब स्वतंत्र है। अब बड़े रिबन केबल वापस छील नीचे के रूप में दिखाया गया है। एलसीडी स्क्रीन को रिहा करने के लिए रिसेसेस नीचे परिक्रमा में अपने पेचकश धक्का और इसे बाहर पॉप जाएगा अन्य साइड। तो एलसीडी स्क्रीन अब स्वतंत्र है। डिसअसेंबली पूरा हो गया है। दोबारा के लिए पूरी प्रक्रिया उल्टा। आप इस डिसअसेंबली गाइड उपयोगी पाया गया है।
formimobile.co.uk का समर्थन और उपकरणों और भागों आप हमारी साइट से जरूरत आदेश कृपया हम दुनिया भर में शिप करते हैं।